इसका सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ की अहम बैठक। सीएमआर में सभी मंत्रियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग की है और सीएम ने मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हेडक्वार्टर रहे मंत्री, शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में मौजूद रहे मंत्री। सीएम ने दिशा निर्देश दिए, जन सुनवाई पर विशेष फोकस मंत्रियों को करना चाहिए, विकास की आगामी कार्य योजना करें तैयार। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को दिए दिशा निर्देश। आज लंच पर सीएम आवास पर सभी मंत्रियों को बुलाया गया था और इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी मंत्री हेडक्वार्टर्स पर अपने डिपार्टमेंट का कार्य मंडे टू फ्राइडे संभालें और उसके बाद शनिवार और रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, लोगों के साथ संपर्क साधें, जन सुनवाई पर विशेष फोकस करें। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर ये दिशा निर्देश आज जारी किए। आज लंच था सीएम आवास पर सभी मंत्रियों का और सभी मंत्री सीएम आवास पर जब पहुंचे उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने ये दिशा निर्देश सभी मंत्रियों को दिए हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से कहा, सोमवार से शुक्रवार तक हेडक्वार्टर रहे मंत्री यानी डिपार्टमेंट का कामकाज मंडे टू फ्राइडे संभालें और उसके बाद शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में मंत्री मौजूद रहें, जन सुनवाई करें, लोगों से संपर्क बनाए रखें, यानी सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रहना, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर जनता से रूबरू होना है, ये मुख्य तौर पर कहा गया। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स को दिशा निर्देश दिए और कहा मंडे टू फ्राइडे हेडक्वार्टर्स रहें और उसके बाद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाएं, यानी सीधे तौर पर एक बात स्पष्ट कर दी कि जनता से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए नन्नी, बिल्कुल, चूंकि जिस तरह भाजपा मुख्यालय पर पीएम मोदी ने करीब 3 घंटे बिताकर जो जनसेवा के मंत्र दिए, अब उनको जमीनी धरातल पर उतारना है, लिहाजा मंत्रियों विभाग बांटने के बाद पीएम मोदी के 3 घंटे लगातार उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने बताया उसको अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेकर आज अहम मीटिंग हुई। और उससे पहले चूंकि नन्नी पहली ये मीटिंग थी सीएमआर में, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद एक भोज का आयोजन किया गया, सभी मंत्रियों ने भोजन किया, आपस में वार्तालाप किया और इसके बाद जब मीटिंग हुई तो सीएम ने तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर कहा। खास बात जो निकल कर आई ये रही नन्नी कि उन्होंने कहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक हेडक्वार्टर है क्योंकि पूरे प्रदेश के विभाग आपको देख लें, इसके बाद आपको शनिवार और रविवार को आपको जाना है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना है, वहां काम पर ध्यान देना है। और एक बात और नन्नी, जो पीएम मोदी कह रहे थे कि आप 1 महीने में 1 गाँव में रुकी, मतलब रात्रि विश्राम 1 माह में हर मंत्री को रात्रि विश्राम गांव में करना है, उस कड़ी को लेकर भी इसमें चर्चा हुई और एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कैसे मंत्रियों को गांव में रुकवाना है, विधायकों को रुकवाना है। हालांकि इसको और बहुत ही नीचे स्तर पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जिला प्रमुख भी होते हैं, फिर यहाँ पे नगर निगम की बात कर ले तो ऐसे पूरा एक जो जनप्रतिनिधि है वो कैसे गाँव में जाके कस्बों में जाके रात्रि विश्राम करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जो ऐसी समस्या जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नहीं पहुंच पाती नंदनी, या मैं कहूँ कि एक फौजी तौर पर मुलाकात से पता नहीं लगता है, अगर आप गांव में रुकोगे तो आपको पता लगेगा कितने समय लाइट आती है, नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, सड़कों की क्या स्थिति है, चिकित्सा व्यवस्था क्या स्थिति है। तो हम जो सपना देखते हैं वेलफेयर स्टेट का नंदनी, वो ऐसे ही तो पूरा होगा, क्योंकि गाँव में आज भी कई बार हमें बड़ी विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आती है, जब पता लगता है कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई क्योंकि आसपास हॉस्पिटल नहीं थे, आज भी खस्ताहाल सड़कें हैं, चिकित्सा की माकूल व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षा के लिए आज भी गांव के बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता है, कई बार नदियों तक क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो तस्वीर है, क्योंकि जब हम चिकित्सा स्वास्थ्य सड़कें गाँव तक नहीं भेजेंगे तो हम कैसे एक खुशहाल समृद्ध और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे, तो ये उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। तो निश्चित रूप से इस बैठक के बाद ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल है उसके तमाम मंत्री विधायक आपको जनता के बीच नजर आएंगे, गांव में रात्रि विश्राम करते हुए नजर आएंगे, जन सुनवाई पर विशेष फोकस किया। हाँ नन्नी, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा इसको, क्योंकि उनकी पूरी मीटिंग के दौरान उनका बार बार कहना था कि आप जन सुनवाई पर पूरा फोकस करिए, आप यहाँ रहें तब भी जन सुनवाई करिए, आप गांव में रहे तब भी जनसुनवाई करिए, अपने अपने क्षेत्र में रहे तब भी जनसुनवाई कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात कही और
वो बात तो टल ही नहीं सकती है। और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर दिशा निर्देश देकर गए हैं तो उसका क्रियान्वयन भी देखिए कुछ ही पलों में नजर भी आने लग गया है। और आज देखिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जिस दिन से सीएम बने उस दिन से लेकर अब तक जन सुनवाइयाँ हर दिन कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक कार्यालय भी बना लिया है, उस कार्यालय का निरीक्षण करने भी आज पहुंचे। तो जब सूबे के मुखिया ही जन सुनवाई को लेकर इतने ज्यादा गंभीर हैं तो कैबिनेट पे तो उसका असर जाहिर तौर पर लाल सिंह होगा ही, और दिशा निर्देश प्रधानमंत्री के भी हैं। देखिए बिल्कुल नंदनी, मैं अभी जरूर ये शेयर करना चाहूंगा आपको। ध्यान हो तो कुछ दिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा अचानक सिटी पार्क आ गए थे जी, और उस वक्त आपने देखा होगा किस तरह लोगों से संवाद किया, चर्चा की, उस दौरान हम भी कवरेज पर थे। तो कवरेज खत्म होने के बाद वहां से कॉल आया कि आइए सीएम साहब चाय पियेंगे साथ में, तो हम कुछ पत्रकार वहां गए, तब उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि मैं जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए एक प्लान बना रहा हूँ कि वहां पर जनसुनवाई केंद्र खोलूं ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े, क्योंकि जो सीएमआर में जनसुनवाई हो रही है नंदी वहां प्रदेश भर के लोग आते हैं, तो उनका कहना है कि क्योंकि सांगानेर बिल्कुल जयपुर में ही है, मेरे पास में लाल सिंह एक तरफ पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, वहीं एक तरफ हर एक जन प्रतिनिधि की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जो जिम्मेदारी है उसे भी प्राइम फोकस पर रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए।